फेक कर रहे हैं या फिर ऐसे ही, तो फिर ये देखें। ओके अस्सलाम वालेकुम। तो आप कैसे हैं? आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो विजिट वीज़ा पर है। विजिट वीज़ा को आप रिन्यू कैसे करेंगे और मैं विजिट वीज़े से वीज़ा परमानेंट कैसे चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलें। ओके, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? जैसे कि टाइटल तो आपने देख ही लिया हुआ कि विजिट वीज़ा को हम रिन्यू कैसे कर सकते हैं और चेंज कैसे कर सकते हैं। सो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपको फ्रंट पे ही मैंने एक वीडियो आपको दिखा दी है कि अपना कि आपका आपका विजिट रिन्यू और वीज़ा एक्सचेंज हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका वीज़ा है, समझिए उसको आपने कैंसिलेशन किया। कैंसिलेशन करने के बाद आप लाजम के ये होता है कि मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है आपने होम कंट्री जाना होता है। होम कंट्री जाने के लिए मतलब ये है अपना, तो आप उसके लिए होम कंट्री जाएंगे, फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल का वीज़ा विजिट का सिस्टम भी निकलेगा। अगर आपका जैसे कि परमानेंट वीज़ा है, परमानेंट ठीक है, किसी कंपनी का है या किसी कफील, यानी कफील का, यानी कि यहाँ के लोकल अरबी का लगा रहे, तो कंपनी का है तो कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कंपनी आपको कैंसिलेशन करती है, कैंसिलेशन के बाद भी 1 मंथ का टाइम होता है, ठीक है। 1 मंथ के अंदर आपको उन लोगों ने पासपोर्ट दे के टिकट देना होता है, उसके बाद जो है आपको भेजना होता है। अगर जैसे कि अब वीज़ा कैंसिलेशन हो गया तो आपको यही माइंड में कि आप होम कंट्री जाएंगे, होम कंट्री जाके वापस आना पड़ेगा हमको। तो अगर आप होम कंट्री जाना नहीं चाहते, इधर ही यानी कि वीज़ा लगवाना चाहते हैं, तो वीज़ा कैंसिलेशन के बाद वैसे तो सिंपली आजकल रूल है, जैसे एक जगह से अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो दूसरी जगह आप वीज़ा यानी कि इशू कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करना चाहते कि अगर वीज़ा नहीं मिल रहा, तो अब डेट भी करीब आ गई है आपको, अब वीज़ा नहीं मिल रहा लगाना है, कोई कंपनी नहीं मिली, कोई कफील नहीं मिला, कोई अरबी नहीं मिला, तो आप विदाउट अपना विज़िट लगा सकते हैं। विज़िट इस तरह की यानी कि जितने दिन का टाइम होता है, आप किसी भी विज़िट यानी कि क्या कहते हैं, विज़िट अपने क्या कहते हैं, विज़िट शॉप पे चले जाएँ या विज़िट की ट्रैवल एजेंसी चले जाएँ, विज़िट में कहीं भी जो भी अपना विज़िट वो लगा देते हैं, तो उनके पास जाके बोलें कि मैंने विज़िट लगवाना है। वो आपको A to A फ्लाइट देंगे। A to A फ्लाइट के बोलेंगे कि आप यहाँ से अपने जो भी आपको डेट देंगे, अब वो आपको देंगे क्या कहते हैं, बहरीन की होती है, कुवैत की होती है और ओमान की होती है, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, और भी कंट्रीज़ होती होंगी यहाँ के, यहाँ ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। तो मैंने जो की थी वो बहरीन की थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जब वीज़ा एक्सपायर हुआ था, यानी ख़त्म हुआ था वीज़ा एक्सपायर होने के बाद, और मैंने मेरा कैंसिलेशन हुआ, तो कैंसिलेशन के बाद मेरा 1 मंथ था, 1 मंथ होता है लेकिन मेरा बहुत लेट हुआ है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के बाद मेरा सिर्फ 5 डेज बचे हुए थे, तो उसके अंदर मैंने अपना क्या कहते हैं A to A फ्लाइट ली। फ्लाइट लेने के बाद मैं एयरपोर्ट में गया, जैसे कि मैं मेरे बहन के लिए मेरी इंट्री हुई, इंट्री होने के बाद मेरी स्टैंप लगी पासपोर्ट पे, एग्जिट स्टैंप लगती है, आपको पता ही होगा एग्जिट स्टैंप का, तो क्या ट्रैवल करते रहते हैं, तो एग्जिट स्टैंप लगने के बाद जो है वो उस एग्ज़िट स्टैम्प की जो है होती है ना एग्ज़िट स्टैम्प, उसकी जो मैंने ट्रैवल एजेंसी से जो बंदा विज़िट के लिए मतलब कि इशू करता है, तो अप्लाई करता है, तो उनको मतलब कि भेजनी होती है अपने ऑफिशियली की पासपोर्ट, और ऑफ कोर्स के पासपोर्ट, अपने पिक्स और अपना NIC जिसको मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, उसकी पासपोर्ट कॉपी वगैरह तो सब दी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि सॉरी एग्ज़िट जो है ना, एग्जिट स्टैम्प, एग्जिट जैसे आप आउट होंगे एग्जिट स्टैम्प उनको व्हाट्सअप करेंगे कि हम एग्जिट हो गए हैं, स्टैम्प भी लग गई है। तो जैसे आप एग्जिट स्टैम्प उनको भेजेंगे, वो आपका जो है इमिग्रेशन में आपका विजिट के लिए प्रोसेस डाल देंगे, प्रोसेस डाल देंगे, आप अपना जो है वो प्रोसेस के लिए डाल देंगे। प्रोसेस के बाद आप अपनी यानी कि जैसे फ्लाइट होगी, फ्लाइट में आप अब ओमान, कुवैत या अपना क्या कहते हैं बहरीन जाएँ, मैं तो बहरीन गया था, वहाँ से आप ट्रैवल करके जाएंगे, जब तक आएंगे हो सकता है कि आपका इमिग्रेशन बहुत जल्दी कर दे, किसी किसी का मतलब रिटर्न आने से पहले, दुबई एयरपोर्ट में आने से पहले तो निकल जाता है, जो मतलब कि आउट हो जाते हैं आ जाता है। तो आजकल तो ऑनलाइन है, तो उसकी भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पासपोर्ट पे ही आ जाता है, तो पासपोर्ट हो तो सब कुछ इशू हो जाता है तो आने के बाद ये है कि किसी किसी का बहुत लेट आता है, जैसे मेरा आया था 24 आवर्स से पहले आ गया था, क्योंकि मैं दिन के टाइम सुबह के टाइम गया, सुबह के टाइम से लेके मेरा जो है फिर मैं रिटर्न आया था तकरीबन जाता थे 5 बज गए थे, 5 यानी 7 7 क्लॉक कह लें, 17 क्लॉक कह लें, जिसे यानी कि इंटरनेशनल टाइम में 17 क्लॉक कहा जाता है, तो टाइम ज़्यादा हो गया था। मेरे साथ जिसने ट्रैवल किया था यानी कि उस यानी पूरी फ्लाइट जो थी A to A फ्लाइट थी, जिन्होंने सब विजिट ही चेंज करना था, हर कंट्री के थे, कोई पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, यानी कि सब थे,
तो मेरे साथ जो मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे, मेरे सीट में बैठे हुए थे, उनका मैं यहाँ तक एयरपोर्ट में लैंड करते ही तो 5 मिनट में आ गया था, 5 मिनट में निकल गया था। आप किसी हर किसी का प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन आपका कितना देर में निकालती है, ठीक है। तो उनका 5 मिनट में आ गया, तो मेरे साथ एक और भी थे, यानी कि मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, उनका और मेरा साथ में निकला, काफ़ी पैसेंजर्स का यानी कि साथ में, क्योंकि इमिग्रेशन का जो टाइम होता है 5 बजे का होता है, कई हाँ 5 बजे इमिग्रेशन बंद हो जाता है। इमिग्रेशन बंद होने के बाद तो आपको कोई भी विजिट या कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा, लाजिम वो सुबह खुलेगी तो आपको प्रोसेस होगा। तो पूरी रात मैंने एयरपोर्ट में बैठ के वेट किया, वेट करने के बाद सुबह जैसे हुई, ठीक है, सुबह होने के बाद क्या कहते हैं अपना, मेरा विजिट आ गया, विजिट आ गया, मैं आउट हो गया, ठीक है। और वीज़ा तो आपको पता ही होगा, जैसे आपका विजिट है, आप किसी भी कंपनी में किसी भी जगह में आप अप्लाई करते हैं, तो उनको आप अपना विजिट देंगे और अपना पासपोर्ट और अपनी पिक्स देंगे, तो वो जब अप्लाई करेंगे तो आपका जो है वहाँ पे अपना क्या कहते हैं MSID यानी कि पासपोर्ट ऑफिस जवाबदात कहते हैं जिसको अरबी में, तो वो आपका इशू कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये एक्सचेंज तो इधर ही हो जाता है, ठीक है, कोई भी इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मेन हम कर रहे हैं कि विजिट विजिट जब ये तो ये था, जो लोग यहाँ से कैंसिल करवा लेते हैं और वो फिक्र में होते हैं कि हम लोग अब कंट्री जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आना पड़ेगा, वीज़ा मिलता है नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यहीं पे रहना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम यानी कि होम कंट्री ना जाएं, यहीं पे रह के अपनी जॉब सेटिंग करके बाद में कंट्री होम कंट्री। तो ये उनके लिए था कि मतलब कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी जाएँ, अलग अलग होती हैं, हर में रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग अलग होती है, कोई एडवांस पैसा रखता है, कोई नहीं रखता। मेरे से जो आते, मेरे से कोई पैसे नहीं रखे थे, मेरे से ओनली क्या कहते हैं 1500 धिरम, यानी 1500 यानी 1500 लगा लें, 1500 उन्होंने धिरम्स मेरे से लिए थे। तो उसमें मेरा ए टू ए फ्लाइट, ए टू यानी कि लेके जाएगी, लेके आएगी बहरेन से, और अपना क्या कहते हैं विजिट सब कुछ मेरा उसके अंदर ही था 1500 धिरम्स में। इसमें कम भी थोड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा भी होता है, फ्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़्लाइट की प्राइस क्या होती है। तो मेरा तो 1500 दिरहम में हो गया था, यानी मैं ये फिलहाल पहले उनके लिए बात कर रहा था जिनका वीज़ा कैंसिलेशन होता है, परमानेंट वीज़ा कैंसिलेशन होता है, और वो होम कंट्री नहीं जाना चाहते, इधर ही रहना चाहते हैं, उनको दूसरी जगह जॉब जैसे नहीं मिलती 1 मंथ के अंदर, तो वो अपना इधर विजिट लगवा के रह सकते हैं। ए टू ए फ्लाइट विदाउट कंट्री जाके वो इन आउट करेंगे, यानी इन आउट ए टू ए फ्लाइट इन आउट करके अपना यहीं पर विजिट लगा सकते हैं, वो रह सकते हैं। और बात रही यानी कि अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ट्रैवल किया है, खुद अपना विजिट लगाया हुआ है इस तरह, तो मुझे यानी कि सब इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को कोई यानी कि जैसे कि इंसान को कुछ बताने से समझ में नहीं आती, बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसमें आप लोग मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं कि मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि ये चीज़ में मतलब कि ऐसा हुआ है तो मतलब क्या करना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जब आपका वो एजेंट जो है भी है वो जब प्रोसेस में आपका डाल देगा, उसके हाथ में नहीं है, 5 मिनट में आ सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है, और हो सकता है 24 आवर्स के बाद भी आ सकता है, लेकिन 24 आवर्स के बाद आ जाता है, इतना है लाजिम आ जाता है, क्योंकि विजिट होता है कि ये लाजिम प्रोसेस किया हुआ होता है, किसी का लेट किसी का जल्दी, लेकिन इमिग्रेशन ज़रूर आउट कर देती है। जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरा खुद का मैंने आपको विजिट दिखाया है, मेरा खुद का ये विजिट है, मैंने लगाया था 9 मंथ में, यानी कि सितंबर सितंबर की 19 को मैं गया था, ठीक है, 19 को गया था, 19 को मैंने ट्रैवल किया था, सितंबर 19 2019, ओके। तो उसमें मेरा सही हो गया था, यानी कि हो गया था, उसके बाद फिर मेरे को दोबारा लगाने का, हाँ अगर मैं अगर आप लोग चाहते थे एक वीज़ा आपका कैंसिल हुआ, आपने उसमें विजिट लगाया, विजिट लगाने के बाद तो अब 3 मंथ हो गए, या तो आपकी सेटिंग नहीं बनी, या आपका वीज़ा नहीं लगा सेटिंग बनी हुई है, अब फिर सोच रहे हैं अब तो विजिट ख़त्म हो गया, अब क्या किया जाए, तो आप उसी विजिट को दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, उसी एजेंट के पास है, उनको बोलें कि मुझे इसी विजिट को दोबारा रिन्यू करना है, तो वो सेम सेम प्रोसेस होगा, यानी कि आपको आप एग्जिट होंगे पहले उसके स्टैम्प, कहते हैं एग्जिट स्टैम्प आप उनको भेजेंगे, वो प्रोसेस में डालेंगे, आप जैसे कि आपको ओमान कुवैत या बहरीन का देगा, आप जाएंगे आएंगे आने के बाद तो आपका वही प्रोसेस हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इजीली हो जाता है, जैसे कि ट्रैवलिंग। हाँ अब जैसे कि हाँ, होम कंट्री से कोई विजिट पे ही आता है, ओनली विजिट आता है, विजिट आने के बाद जैसे कि उसकी जॉब नहीं लगती, या फिर जॉब लग जाती है वीज़ा नहीं लगता, कोई इश्यूज आता है, अब उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है या ख़त्म होने वाला होता है, वापसी तो लाजम जाना होता है होम कंट्री के लिए, उसको तो फिक्र होगी कि अब मैं होम कंट्री जाना है तो किस तरह मतलब के किया जाए। तो मतलब ये है, आप उसी जो आप होम कंट्री से विजिट पे आए हैं उसी विजिट को आप दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि किसी विदाउट ट्रैवलिंग यानी कि विदाउट होम ट्रैवलिंग, होम कंट्री ट्रैवलिंग आप यहीं पे रह के कर सकते हैं। तो मुझे ये, अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है, यानी कि वहाँ जो सिटी में दुबई में रहते हैं उनको पता है,
और जो काफ़ी लोग हैं जिनसे मतलब मैंने अपना ये चीज़ करने के बाद, विज़िट लगाने के बाद, तो मैंने जिस उसको बताया कि यानी कि मैं होम कंट्री नहीं गया, अपने पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं गया, तो वो हैरान होंगे कि आप पाकिस्तान भी नहीं गए, आपका वीज़ा कैंसिल हुआ, और फिर आपने वीज़ा क्या कहते हैं वीज़ा भी अपना जो है परमानेंट वीज़ा 3 महीने बाद लगाया, हाउ कैसे? तो मैंने उनको बताया कि यानी कि मैंने A2A फ़्लाइट की थी, मैं पाकिस्तान नहीं गया, मैंने यहीं विज़िट लगवा लिया, तो मैं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो हैरान हो कि कैसे लगाया। फिर मैंने उनको बताया कि इस तरह लगाया, यानी कि कहने का मतलब है कि काफ़ी लोग हैं जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कि वो यही फिक्र में जाते हैं मेरा वीज़ा कैंसिल हो रहा है, मैं तो अब जा रहा हूँ, अब कुछ हो नहीं सकता, तो अब तो नया वीज़ा लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इस तरह नहीं है। अगर कोई इंसान यहाँ रहना चाहता है तो रह सकता है। अगर आपका वीज़ा कैंसिल होता है उसमें 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ के अंदर आप अपना विज़िट यहीं पे लगा सकते हैं। अगर आपको वो ही विज़िट यानी कि फिर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उसी विज़िट को आप सेम प्रोसेस के साथ रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, और यानी कि कोई भी परेशानी की या कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप इजली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ करें, आगे बढ़ें, यानी कि इस तरह नहीं, आगे बढ़ें, अब किसी भी उम्मीद ना छोड़ें। अब आपका कहीं पे आपको जॉब पसंद नहीं आती, आप वहाँ पे वीज़ा जो है कैंसिलेशन करते हैं, अब आपको यही टेंशन होगी कि चले मैं यहाँ से कैंसिलेशन करता हूँ तो दूसरी जगह मैं वीज़ा लगा लेता हूँ, लेकिन वीज़ा नहीं लगता बाई चांस कि कुछ हो जाता है या कुछ प्रोसेस होता है तो जिसकी वजह से लेट भी जाता है। अगर आप यहाँ आउट मतलब लेट रहेंगे तो आपके ऊपर मुखालफा यानी फ़ाइन शुरू हो जाएगा। फ़ाइन तो हर इंसान फ़ाइन से बचना चाहेगा, तो वो ये सोचेगा कब तक फ़ाइन के सहारे रहेंगे, तो होम कंट्री चले जाते फिर बाद में आएंगे। अगर वो अपना यानी कि जो है अफोर्डेबल कर सकते हैं तो वो इजी है, हाँ विज़िट लगा लें। विज़िट लगाने से अच्छा ये है कि फिर आप अपनी जॉब की सेटिंग कर लें, जॉब की सेटिंग नहीं होती तो उसी विज़िट पे आपके जहाँ जॉब लगती है अच्छा होता है। किसी किसी का कोई इंसान विज़िट पे भी जॉब करता रहता है, वीज़ा नहीं लगाता, विज़िट पे जॉब करता रहता है, उसका विज़िट ख़त्म हो जाता है, वो कहता है कि मैं और भी आगे करूँ, लेकिन विज़िट ख़त्म हो जाता है, वही सोचता है कि मैं होम कंट्री चला जाऊँ या वीज़ा लगा लूँ। वीज़ा नहीं लगाना चाहता तो होम कंट्री चला जाएगा। होम कंट्री अगर नहीं भी जाना चाहता तो फिर आप ये सेम प्रोसेस किया, यानी कि अपने एजेंट के पास जाएँ, किसी के पास भी जो ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं उनके पास जाएँ, उनको जाके बोलें कि मैंने विज़िट को जो है ना रिन्यू करना है या बोलने चेंज करना है, यानी कि आगे बढ़ाना है। तो 3 महीने का मेरा था, 3 महीने का आप आगे कर लें तो उसके में मेरा करते हैं। वो सेम प्रोसेस आपको A2A फ्लाइट देगा, फ्लाइट देने के बाद आपको क्या कहते हैं सेम सेम जो है वो आपका प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आजकल लोग समझते हैं कि वीज़ा ख़त्म हो गया, या फिर एक जगह बोलते हैं कि वीज़ा लग गया अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कि अब हम यहीं पर रहना है, कुछ हो नहीं गया, वीज़ा लग गया, फंस गया, ऐसा कुछ कर नहीं। आजकल सब रूल्स हैं, लॉ हैं, अगर आप लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे तो सब हो सकता है। सो थोड़ा आगे बढ़ें, देखें, करने की कोशिश करें, सब हो सकता है। यानी कि एक एक जगह पे आपके रहना जहाँ पर आपकी सैलरी कम है, मुश्किल आते हैं, बहुत चीज़ें बहुत सी मतलब कि इंसान को मुश्किल होती हैं, तो उसको हैंडल कर सकता है खुद ही, लेकिन कुछ करने से होता है, सोचने से नहीं। तो अगर आपके हैं तो आप वहाँ से कैंसिल करें, जैसे आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा अब फ्रॉम होम कंट्री जाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ से कैंसिलेशन करें। अगर आपको पासपोर्ट एयरपोर्ट में दिया जाता है टिकट के साथ तो कोई बात नहीं, आप नहीं जाएं, एयरपोर्ट से आप रिटर्न आ जाएं, ठीक है। आपको कोई शूरता यानी पुलिस कोई शूरता कोई CID पकड़ेगी, आपका 1 मंथ का जो है कैंसिलेशन होने के बाद आपका 1 मंथ का फिर भी टाइम होता है, आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ अगर आपके जैसे कि कैंसिलेशन के बाद आपका 1 मंथ भी गुजर जाता है ऊपर जाता है फिर आपको फाइन शुरू हो जाएगा, कोई फिर भी आपको CID या कोई पकड़ेगी तो आपको फाइन लगेगा और आपको यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उससे पहले ही आप अच्छा है कि आप अपना विज़िट लगा लें, तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो आपके साथ मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो हैरान हो जाते हैं कि विज़िट किस तरह लगता है। तो अब आपने पता चल गया होगा यानी कि जो कैंसिलेशन के बाद 1 महीने की डेट होती है तो आप उसमें आप विज़िट लगा सकते हैं। वही विज़िट अगर जैसे आप 3 महीने हो गए, आप 3 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए आपका जॉब नहीं लगी या कुछ नहीं लगी, तो आप उसी को अपना रिन्यू कर सकते हैं, और भी दोबारा रिन्यू जितनी दफ़ा चाहें आप रिन्यू करके उसी विज़िट को अपना यहाँ पर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम प्रोसेस यानी कि आप फ्लाइट करेंगे, आएंगे जाएंगे तो हो जाएगा। आजकल तो बॉर्डर से भी हो रहा है, जैसे आप बॉर्डर से बॉर्डर टू बॉर्डर जैसे कि पाकिस्तानियों का बंद किया हुआ है, पाकिस्तानियों की कोई प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तानियों का बॉर्डर टू बॉर्डर बंद हुआ, वो तो और भी सस्ता हो जाता है। इंडियंस नेपाली जो हैं वो उनका प्रोसेस और भी अच्छा है कि वो लोग बॉर्डर से जाते हैं ओमान, ठीक है, ओमान बस बाय बस और बस से वापस आ जाते हैं, तो उनका तो बहुत ही कम में यानी कि 7-8 दिरहम्स में पूरा हो जाता है।
तो वो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानियों का बन के पाकिस्तानियों के लिए तो फ्लाइट ही है, और फ्लाइट से करना चाहिए या बॉर्डर से करना चाहिए वो तो आपको एजेंसी वाले ही बताएंगे, ट्रैवल एजेंसी वाले, कि आपको क्या अवेलेबल है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इतना ही एक्सपीरियंस है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या कुछ है तो वो आप मेरे से कमेंट करके या मुझे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ है, हम ये करना चाहें या वो करना चाहें, सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और चलें चलते हैं। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।